शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम यहाँ अचानक कैसे? तुम्हें ने मुझे फोन करके बुलाया था। मैं तो इसके मरने के बाद तुम्हें फोन करने वाली थी, लेकिन क्या? फिर मुझे फोन किसने किया? हमने करवाया था। हाँ? वो भी इंस्पेक्टर सीमा के हाथों। मुझे जिंदा देखकर हैरान परेशान हो गए ना मौसी। वो हुआ यूं कि यहाँ पर आते ही तुम्हारे रिवॉल्वर से असली गोलियां मैंने बाहर निकाल ली, और नकली गोली से इंसान मरता नहीं। दरअसल क्या है मौसी, इन तस्वीरों को देखने के बावजूद तुम्हारी मक्कारी पे मुझे यकीन नहीं है, इसलिए तुम दोनों को इकट्ठा करने के लिए मुझे इन्हें फोन करके यहाँ बुलाना पड़ा, ताकि तुम लोगों का कमीनापन मैं अपनी आंखों से देख सकूं, अपने कानों से सुन सकूं। साइड प्लीज। वाह मौसी वाह, खन्ना के इश्क में और पैसों की लालच में आकर तुम इतना गिर जाओगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इन फोटोग्राफ और लोगों के इस खत ने, जो कि उसने मीना को लिखा था, सारी हकीकत बयान कर दी कि कत्ल की रात क्या हुआ था। प्लीज छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़िए ना, इतनी जल्दी भी क्या है, प्लीज छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़ दीजिए मुझे भगवान के लिए, छोड़ दीजिए, नहीं है, मैं जाऊँ, छोड़ दीजिए मुझे। इस बुड्ढे को मारकर कत्ल के इल्जाम में मेरे फोटोग्राफ की मदद से उसके भतीजे को फंसाकर पूरी दौलत हड़प करना चाहते हैं। अगर उस दौलत का थोड़ा सा हिस्सेदार मैं बन जाऊं तो क्या बुरा है? गोली चली जरूर थी, लेकिन मेरी रिवॉल्वर से नहीं, तेरी रिवॉल्वर से मौसी। मुझे फांसने के लिए आप लोगों ने लोगों को फोटोग्राफ लेने के लिए बुलाया, मगर वो कमीना आप लोग का भी बाप निकला। उसने आप लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए वो फोटोग्राफ भी ले ली जिसमें तू गोली चला रही थी मौसी। खून हो जाने के बाद जब मैंने अपने आप को कानून के हवाले करने की कोशिश की तो तुमने मुझसे कहा कि नहीं मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पीले, तू ऐसा मत कर, तू अपने आप को कानून के हवाले मत कर, तू कॉपी बहुत अच्छी करता ना, तू लिख। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया इसलिए कि तुम लोग चाहते थे कि मैं ना मरूं उस वक्त तक जब तक ये जायदाद मेरे नाम नहीं हो जाती। अरे रामा, व्हाट अ ड्रामा। जब इंस्पेक्टर सीमा को मैंने असलियत बता दी और मैं जेल के पीछे चला गया, तब भी तुम लोगों ने नहीं चाहा कि मैं फांसी के फंदे पर झूल जाऊं, क्योंकि जायदाद मेरे नाम नहीं हुई थी ना, तो मुझे जेल से निकालने के लिए तुम लोगों ने वकील के साथ मिलकर एक नया नाटक किया, मुझे पागल करार कर दिया। और जैसे ही मैं पागल खाने में पहुंचा और ये जायदाद मेरे नाम हुई, तो मेरे प्यारे से अंकल ने पागल खाने में मुझे जहर देकर मार देने की कोशिश की। अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए जब मैं पागल खाने से फरार हुआ और मैंने लोगों से मिलने की कोशिश की, तो तुम लोगों ने लोगों को भी कत्ल कर दिया, उसके बाद मीना को भी कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा मेरी बारी आई। मुझे मार देने के बाद तुम इस जायदाद की इकलौती मालकिन बनना चाहती थी और जिंदगी भर इस खन्ना के साथ अय्याशी करना चाहती थी, मगर अफसोस लोगों के इस खत ने और इन फोटोग्राफ ने तुम लोगों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सो माय डियर यंग कपल उर्फ लैला और मजनू, तुम लोगों के हनीमून के लिए यह हवेली नहीं बल्कि जेल की चार दीवारी है, वो भी अगर फांसी नहीं हुई तो। अच्छा चलता हूं, एसीपी चंद्रवेदी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अंकल का देख ली, आंटी का भी देखा ले, अरे मौसी का भी देख ली, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। इस हरामजादे को रोको खन्ना,
इसे पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए। फटफटी वाले मौसी को मिलने का वादे थे। निकलो छोटे सरकार वरना लटक जाओगे। बेटे, इन दो पहियों की गाड़ी पर जाते जाते थक जाओगे, इसलिए ये लो मेरी गाड़ी की चाबी और फोटोग्राफ्स एसीपी को देकर आना और वापस आने के बाद अपनी महबूबा की लाश को लेकर जाना। तुम्हारी मदद करने निकली थी, हमने सोचा हम ही ले आए। अमर, तुम मेरी परवाह मत करो, तुम चले जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, जाता हूँ। अरे काम करो ना, अपनी चूड़ियां दे दो ना मुझे पहनने के लिए। एक आध बार मदद क्या कर दी तुमने मेरी, तुम अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी। एक मिनट भाई साहब, देखो औरतों को औरतों के काम शोभा देते और मर्दों के मर्दों को ये लो। मैंने कहा ना ये लड़कियों का काम नहीं है। चल चल पुलिस को बुला, जाओ। टाइम पे रे नहीं। अरे सर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उनको नमस्कार। चला तुम यहाँ कहाँ नाच रहे? कहाँ हुआ? इनको अरेस्ट करना हमारा डिपार्टमेंट है और तुम्हारा डिपार्टमेंट हुआ है। आए वहां जाके नाचो। अरे जय बजरंगबली। मिसेस गायकवाड़, आई मीन होल्ड द गायकवाड़। होल्ड द गायकवाड़ क्या कर रही है आप? होल्ड द गायकवाड़ क्या कर रही है आप? अरे हट। क्यों बे, इतना भी नहीं समझता? ये रिहर्सल थी, देख मैं दूंगी। सच में तो मुझसे उधार ले और बदले में सारा संसार दे ले। यहाँ आइए मेरे साथ, जरा पीछे आइए।